नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जिसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसमें लाखों लोग मारे गए और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस युद्ध ने न केवल सैनिकों की जान ली बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इस युद्ध में दुनिया की सारी बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। इससे पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इस संघर्ष में मुख्य रूप से दो गुट थे, एक तरफ थे एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। चलिए इतिहास के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और जानते हैं। इस युद्ध के कारण और परिणामों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि कैसे इसने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। इस युद्ध के पीछे कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच की पुरानी दुश्मनियां और नए गठबंधन भी इस युद्ध का कारण बने। युद्ध के दौरान सैनिकों को खाइयों में रहना पड़ता था, जहां जीवन बहुत कठिन था। खाने पीने की कमी, बीमारियां और लगातार गोलाबारी ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। युद्ध के बाद दुनिया को फिर से बनाने की कोशिशें शुरू हुई। 1919 में वर्साइज की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त किया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। आज भी हम इस युद्ध को याद करते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और समझौते की कितनी आवश्यकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे महान युद्ध भी कहते हैं, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। ये 4 साल से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान दुनिया ने बहुत ज्यादा हिंसा और विनाश देखा। इस युद्ध में दो ग्रुप्स थे, एलाइज, जिसमें फ्रांस, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और बाद में इटली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हुए, और दूसरा था सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गेरिया थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे कारण थे और ये सब आपस में जुड़े हुए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सेना का जोर और गुप्त समझौते बहुत आम थे। बड़ी बड़ी ताकतें अपनी सेनाओं को और बड़ा बना रही थीं और नए नए खतरनाक हथियार बना रही थीं। इससे ऐसा माहौल बन गया जहां युद्ध होना तय लग रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे कारण थे, लेकिन कुछ मुख्य कारण ये थे। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का बढ़ना, गुप्त समझौतों का जाल और सेना और हथियारों की होड़। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा बनने वाले आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। ये हत्या साराजेवो, बोस्निया में गैब्रिलो प्रिंसिप नाम के एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने की थी। इस घटना से ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने युद्ध को बदल दिया। इनमें से कुछ मुख्य घटनाएं थीं मार्न की लड़ाई, गैलीपोली अभियान, वेर्दन की लड़ाई, सोम की लड़ाई और यूनाइटेड स्टेट्स का युद्ध में शामिल होना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला चरण 1914 to 1915, दूसरा चरण 1915 to 1917 और आखिरी चरण 1917 to 1918। पहले चरण में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया, जबकि रशिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत बुरे नतीजे हुए, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और आम लोग दोनों शामिल थे। युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और 4 बड़े साम्राज्यों, जर्मन, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और तुर्क साम्राज्यों का अंत हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था और उसने ब्रिटिश सेना की बहुत मदद की। लाखों भारतीय सैनिकों ने अलग अलग जगहों पर लड़ाई लड़ी, जैसे कि वेस्टर्न फ्रंट, मेसोपोटेमिया और अफ्रीका। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी और कुर्बानी से सबका दिल जीत लिया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें ये याद दिलाता है कि राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सेना का जोर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये युद्ध मानव इतिहास के सबसे बुरे अध्यायों में से एक था, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें ये पक्का करना होगा कि ऐसी भयानक घटना फिर कभी ना हो।